हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, आप लोग देख रहे हो कि मैं इस फोटो को आज जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से एडिट करूंगा। तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अमेजिंग होने वाला है। और जो लाइटरूम से मैं इसका कलर करेक्शन करूंगा उसको तो आप देखना भूलना है मत, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रखा हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, तो गाइस आपको सिंपली ऐसे पोज ले लेना है यार, ऐसे ले लेना, मैं नहीं कर रहा, ऐसे सिंपली पोज डार्ट पे बैठ के लेना। आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे ग्रीन बैकग्राउंड रहे, कुछ ऐसा रहे, ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड ले लेना, अपना फोटो भी ले लेना। उसके बाद में आप लोग सिंपली इसको पिक्सआर्ट ऐप में ऐड करके उसके बाद में PNG जो यूज़ करूँगा नीचे से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैं ये जो PNG है एक अपना लगाता हूँ, इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों जो मैं PNG यूज़ करूँगा मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब मैं जो मार्स मेलो का जो मुखौटा है इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ये जो वायरल हो रहा है ये इटिंग, इसको मैं इस पर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये इटिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट नया लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इसको लगा लेना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से लगाने के बाद इसको सिंपली कर लेना, ऐसे डन डन कर लेने के बाद आना अगले स्टेप पे। तो और भी कुछ चेंजेस को यूज़ करेंगे हम लोग, तो मार्स मेलो का टेक्स्ट चेंज है तो उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, इसको हम सिंपली ऊपर जो है लगा लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर इसको ऐसे लगाते हैं, देखिए मार्स मेलो का जो लगा लिया मैंने। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, सिंपली डन कर लेते हैं। अब हम अगले चेंज की तरफ करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फ्लाइंग चेंज है वो भी मैंने नीचे दे दिया, उसको भी डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो ये मैं खुद से बनाऊँ PNG यार, इसलिए लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से सब वीडियो भी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। और एक लाइक एक कमेंट तो बनता है यार, वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना। ठीक है, मैं इसको सिंपली आगे अपने ऐसे लगा लेता हूँ, फ्लाइंग हो रहा है। ठीक है, अभी फ्लाई होते होते यहाँ उड़ गया, ओ सॉरी यार, ये तो यहाँ पे लगा दिया मैंने। एंड नेक्स्ट जो ये भी मतलब उड़ते उड़ते जा रहा है। ठीक है, इसको जो मैंने एक यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाने के बाद में सिंपली गाइस हम लोग देखते हैं और कुछ PNG वगैरह यूज करते हैं। तो ये तो अब मेरा हो गया गाइस, और PNG तो ये नहीं कि मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ यहाँ से डन। और हम लोग चलते हैं इसको लाइटरूम में, इसको रिफ्रेश करते हैं, कलर इसका जो इसको इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, एडिट डॉट पे जाते हैं और एडिट डॉट पे जाके इसको इमेज को लेते हैं सेव सिंपली। ठीक है, अब सिंपली सेव करने हम लोग जाते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। अब लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको कर लेते हैं हम लोग ऐड, जो भी और जो भी मैं PNG यूज किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो और अब यहाँ पे जो मैं अभी कुछ सीखती हूँ, ये रहा मेरा वो पोज, मैं इसको जो अभी तो पिक्सआर्ट से मैं बनाया हूँ उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो गया, सिंपली इसको चलते हैं एडिट करते हैं। तो ये देखिए अभी ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप लोग को पहले आना होगा ये आइकन पे, इसको एक्सपोजर भी इसका कम कर देना होगा। ठीक है, एक्सपोजर कम कर देना है, उसके बाद पिक के हिसाब से कर देना, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेना। ठीक है, उसके बाद में हाईलाइट को कम कर देना, शैडो को भी कम कर देना, वाइट को बढ़ा लेना, ब्लैक को कम कर देना। ठीक, अभी सिंपली हो गया। अब टेम्पो वाले ऑप्शन पे आना, उसके नीचे एस शॉट को जो कस्टम कर देना, जो मेरा वाइब्रेशन है ना उसको वाइब्रेशन उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो बैकग्राउंड है उसके कुछ इफेक्ट आएगा, जिससे हमारा बहुत जल्दी मतलब फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखेगा यार। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद में आना मिक्स वाले टूल पे आके, उसके बाद में इस ऑरेंज वाले ऑप्शन पे आना, उसका लूननेस को इसको देना बढ़ा। ठीक है, बढ़ा देना, ठीक कर देना, सिचुएशन को थोड़ा सा देना कम थोड़ा सा। ठीक, एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना, एल वाले ऑप्शन पे आके ना क्योंकि जो उसको पूरा कम कर देना, पूरा ही कम कर देना। ठीक, और इसको जो है थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा देना। ठीक, ग्रीन वाले ऑप्शन पे आना, इसको कम कर देना। ठीक, इसको कम कर देने के बाद में इसको भी थोड़ा सा मतलब 5 तक बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद आना नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कपड़े का कलर चेंज करते हैं, जो भी आपके कपड़े का कलर हो, मैं नहीं कर रहा आप ऐसे कपड़ा पहने हो, आप कोई कपड़ा पहने जो चेंज कर देना। ठीक है, तो मैं ये कपड़े के लिए होता है सिंपली, तो इसको हल्का सा बढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरा जिस जो था वो ब्लू कलर में था, मैं ब्लू कलर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, इसको देखो कलर तो ज़्यादा चेंज हो रहा है, मैं इसको सिंपली -7 कर देता हूँ, जिससे कपड़े पे लाइट आ रही है और फोटो बहुत ही ज़्यादा अंधी लग रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से डार्क कर देता हूँ, सिचुएशन बढ़ा के लूननेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जिससे ऐसा लग रहा है पैंट थोड़ा डार्क कलर में। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको डन, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद उसके नीचे क्लियरिटी उसको लेते हैं बढ़ा। ठीक है, उसके बाद रेजनेट को इसको कर देते हैं हम लोग सिंपली कम, उसके बाद फिंगर को देते हैं बढ़ा, और राउंडनेस को देते हैं बढ़ा, पॉइंट को देते हैं बढ़ा, उसके बाद रेजनेट को कर देते हैं और। अब फिंगर को एक बार और पढ़ा लीजिए। ठीक है,
ज़्यादा मैं आपको इसमें टर्म ट्रोल नहीं कर रहा हूँ कि आपको वैसे करो वैसे करो, बस ये मेरा हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ एक बार सेव। ठीक है, ये मैंने कर लिया इसको सेव। अभी सेव करने के बाद इसको एक बार फिर से लाइटरूम में ऐड करूँगा, जिससे मेरा बैकग्राउंड जो अच्छे से और चुके। तो गाइस ये मेरा हो रहा है सेव, तो ये सेव हो गया। उसके बाद मैं इसको एक बार फिर से यहाँ से करता हूँ इसको डिलीट, और ये हो गया। अब मैं इसको डिलीट करते पर इतनी आएगा नहीं दोबारा। उसके बाद में मैं आता हूँ अगले वाले ऑप्शन पे, फिर इसी पोज को मैं जो एडिट किया हूँ लाइटरूम में अभी को, इसको मैं फिर से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर लिया, जिससे कलर करेक्शन और भी ज़्यादा अमेजिंग दिखे। अब मैं इसको फिर ऐड कर लेता हूँ, और मुझे अब की बार कुछ नहीं करना, अब की बार मुझे सिंपली जाना है टेम्प वाले ऑप्शन पे ओनली। ठीक है, और वहाँ पे आई शॉट को फिर से मुझे कस्टम सेलेक्ट कर लेना, और नेक्स्ट टूल पे जा करके जो है जो मेरा येलो वाला था ना, इसको पूरा कम कर देना। आप देखिए जो बैकग्राउंड है गाइस, ये जो बैकग्राउंड है ना, ये देखिए अलग सा कुछ लुक आ गया, आप देख रहे हो। ये देखिए पहले कैसा था, अब कैसा अलग हुआ ना। और मैं इसको बढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं सिचुएशन को मैं 100 तक कर देता हूँ। फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना यार। और मैं फिर बता रहा हूँ, प्रिंट सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वाले ऑप्शन पे आना, फिर से इसको कर देना पूरा ग्रीन वाले को कम्प्लीट। उसके बाद इसको थोड़ा देना बड़ा, ठीक है। अब देखो यार, डन कर देना, और जो विजनेट है इसके ऊपर फिर से हम लोग कर देते हैं कम, ठीक है। हल्का सा -5 पे फीडर पर देखते हैं, बढ़ा। फोटो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है अमेजिंग। ये देखो बिफोर में फ़ोटो और आफ्टर में फोटो, तो फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो हम सिंपली इसको कर लेते हैं सेव, और सेव कर लेते हैं यार। और फिर मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है भाई, के लिए कमेंट भी कर देना। तो चलो आज के लिए वीडियो में बस, बाय बाय, इतना ही था। और नोटिफिकेशन पर ऑन रखना, ताकि नए नए पिन के वीडियो आपके पास आते रहे। तो चलिए बाय बाय।